इसमें कौन सा लोग रहते हैं इसलिए होता है मैं सिनान होती थी और चना और मिर्च जाना। तो कितने की प्लेट होती है आंटी ये 50 की प्लेट रहती है इसमें दाल भी डालते हैं और कड़ी डाल के अच्छा कोई कट्ठा आता है तो कड़ी डाल देते हैं और दाल डाल देते हैं ओके ओके देन और बस घी डाल दिया है स्टीम डाल दो नाइस और प्योर घी में होती है हां प्योर घी में दाल भी डाल दी तो भाई दाल बाटी की प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। हेलो गाइस दिस इज रौनक फूडी। तो भाई आज हम आ गए ग्वालियर के एक ऐसे स्टॉल पर जहाँ पर एक अंकल आंट दाल बाटी सेल करते हैं और काफ़ी दाल बाटी के साथ साथ भी काफ़ी सारे आइटम ये सेल करते हैं जैसे कि छोले भटूरे पूरी सब्जी। तो गाइस हम इनका यही ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम दाल बाटी ट्राई करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे लोगों को खिलाते हैं। अगर आप भी ग्वालियर विजिट कर रहे हो या ग्वालियर में आप रहते हो तो इनके स्टॉल पर आप ज़रूर जाएँ और ज़रूर ट्राई करें दाल बाटी। तो गाइस चलते हैं और ट्राई करते हैं। दाल बाटी लग रही है आंटी? दाल बाटी लग रही है। पहले क्या जा रहा है इसमें? पहले इसमें घी जा रहा है। अच्छा घी डालते हैं फिर इसमें बनाना पड़ेगा। तो कितने की प्लेट होती है आंटी? ये 50 की प्लेट रहती है इसमें दाल भी डालते हैं और कड़ी डाल के अच्छा अच्छा कोई कट्ठा आता है तो कड़ी डाल देते हैं और बस घी डाल दिया है प्योर घी में होती है प्योर घी में डालते हैं। तो राजस्थान डिश है आंटी है अंकल ये क्या होते हैं? एक मिनट ये चूरमा का लड्डू है। चूरमा के लड्डू होते हैं आज? अच्छा किस चीज़ के बनते हैं अंकल? ये दाल बाटी ये साथ चलता है चूरमा का लड्डू ये भी देसी घी में बनता है दाल चूरमा का लड्डू। अच्छा फेवर देसी घी में बनता है ये भी? ये देसी घी में और इसे यहाँ बहुत खत्म भी कर रहे हैं लाइक भी करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ काफ़ी रिस्पॉन्स मतलब इसको ऐड करने के बाद अच्छा आ रहा है आपका। अच्छा बाटी तैयार हो रही है ना? हाँ तो इसमें तैयार होती है बाटियाँ? अच्छा और पहले हम आगरा में रहते थे। ओके ओके हाँ आगरा से यहाँ आए तो जब से हमने ये स्टार्ट किया है। अच्छा तो मतलब आपने ये दाल बाटी वगैरह आपने कैसे देखा? आगरा से आप देख के आए हो या फिर ग्वालियर में आके मतलब आपने सीखा? नहीं दाल बाटी तो ये अपना शुरू से हमने देखा है खाया है बनाया भी है। अच्छा दाल बाटी वैसे राजस्थानी डिश है? हाँ राजस्थानी डिश है राजस्थान से मेरी नहीं है। ओके ओके हाँ तो इसलिए दाल बाटी हमने सोचा। अच्छा और कितना टाइम? एक साल हो गया आपको? हाँ एक साल हो गया। अच्छा वेरायटी क्या क्या होगी आपके स्टॉल में? हमारे पास स्टॉल में स्पेशल तो हमारी दाल बाटी है चूरमा है अच्छा और छोले भटूरे रहते हैं। अच्छा और पूरी सब्जी रहती है हमारे पास कड़ी चावल है दाल चावल है छोले चावल भी है हमारे पास। अच्छा और प्राइस वगैरह क्या रहेगी इनकी सबकी? हमारे पास प्राइस है दाल बाटी प्राइस दिखा दी। ये प्राइस है मेन्यू लगा हुआ है हमारे पास ये पूरा मेन्यू है 50-20 पूरी रीजनेबल प्राइस है और ज़्यादा महंगा नहीं है। और स्टॉल कितनी अंकल आपकी? अभी एक ही स्टॉल है अभी एक स्टॉल और स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक और स्टार्ट होने वाली है उसका एड्रेस क्या होगा उसका? नहीं ये मेन सेम एड्रेस है 3 सेंटर है इनकम टैक्स ऑफिस के सामने। अच्छा यही लगेगी? हाँ यही लगेगी बगल में। अच्छा अच्छा और इस स्टॉल का आपका टाइमिंग वगैरह क्या होगा? हमारी टाइमिंग है 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। ओके ओके तो अंकल क्या लगा रहे हो दाल बाटी या फिर छोले भटूरे? हाँ आप जो खाना चाहे वो लगाए। ठीक है अंकल दाल बाटी खाते हैं हम। दाल बाटी लगाते हैं। थैंक यू। कितने की प्लेट होती है आंटी? एक छोले भटूरे की 50 रुपीज की है। ये हमारी रेडी हो चुकी है छोले भटूरे प्लेट और ये 50 रुपीज की है। पूरी डिप कर रहे हो बाटी घी में पूरी है ना? दाल
गाइस रेडी हो रही है दाल बाटी की प्लेट और ये भी 50 रुपीज की है। तो भाई दाल बाटी की प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।